था, हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से जेकेपी का वहां पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया, इसमें अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे, इसमें हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, ये कर इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन देना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का, और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉरेस्ट था, तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डन व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए, और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को, और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। इरादे से आता है कोई गलत काम करने के तो हमको तुरंत खबर आती है, और ये जब डिटेक्ट हुए थे लोग उस इलाके में तो गांव के तरफ से हमको तुरंत खबर आ गई थी, इसीलिए जो रिएक्शन था वो बहुत जल्दी हुआ। इस दौरान उन्होंने कोशिश करी, वो जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस नहीं हो पाया उनका, लेकिन कोशिश करी कि वो हमारे कॉन्वॉय पे कुछ फायर करेंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर्स और क्यूआरटी की सूझबूझ से कोई नुकसान नहीं हुआ, और तुरंत क्यूआरटी ने तैनात होकर इनको अपने उसी इलाके में पिन डाउन कर दिया और वहां से हिल नहीं पाई। टेररिस्ट जिस तरह से आम थे उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी, और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, इसलिए हमारे लोग तैयार थे, सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे, और हमको खबर लगातार आ रही थी। जब हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से जेकेपी का वहां पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का, हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे, इसमें हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था, और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है, और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का, और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉरेस्ट था, तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डन व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए, और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को, और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स थे आपके लिए,
अगर कोई इस ऑपरेशन से संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि जिस तरह वो हेवीली आर्म्ड आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में आए थे। आए थे से क्या माना जाए कि ये रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन थी टेररिस्ट की जो इंडियन टेरिटरी? जो हमारी इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी उसे लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का, और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से, तो ये किसी पीछे के इलाके से आए, और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था। साइड हो जाओ।